हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बस दो चम्मच घी से बेसन के स्वादिष्ट पेड़े। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बेसन के स्वादिष्ट पेड़े। पेड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस पर रखेंगे कढ़ाई, उसमें डालेंगे 1.5 कप बेसन, 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। जब बेसन आधा भुन जाए तब हम उसमें 2 चम्मच फ्रेश मलाई डाल देंगे। मलाई को अच्छे से बेसन में मिला देंगे और बेसन को फिर से अच्छे से भून लेंगे। बेसन को हम लगातार चलाते हुए ही भूनेंगे। बेसन में 1 चम्मच घी डाल देंगे। घी डालकर अच्छे से बेसन को फिर से भून लेंगे। बेसन को हमें खुशबू आने तक अच्छे से भून लेना है। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच हरी इलायची का पाउडर। इलायची पाउडर को भी अच्छे से मिला देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1/3 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर को भी अच्छे से बेसन में मिलाने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप पिसी हुई चीनी। चीनी और बेसन अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप दूध और लगातार चलाते जाएंगे। बेसन और दूध को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लगातार चलाते हुए इसको गाढ़ा होने तक पका लेंगे। देखिए बेसन अब अच्छे से गाढ़ा होने लगा है। अभी हम इसको और पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे येलो फूड कलर, ये ऑप्शनल है। ये देखिए बेसन अच्छे से थिक होने लगा है, पैन को छोड़ने लगा है। अब इस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच घी। एक मिनट और पका लेंगे। ये देखिए बेसन अब अच्छे से बाइंड होने लगा है। बेसन हमारा
पककर तैयार हो गया है। अब हम इस गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। देखिए बेसन अब थोड़ा ठंडा हो गया है। अब हम इसके पेड़े बनाने शुरू करते हैं। छोटी बॉल्स बना लेंगे। अब हम इसको पेड़े की शेप देंगे। अब हम इसके ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट्स से गार्निश करेंगे। पेड़ा अच्छे से बनके तैयार हो गया है। अब हम इसी तरह एक और बना लेंगे। और ये देखिए हमारे बेसन के स्वादिष्ट पेड़े बनकर तैयार हो गए हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।